हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पे माईबंग टनल पे, और ये रहा माईबंग टनल, और यहाँ पे आज हम लोग एक छोटा मोटा सा रेस करने वाले हैं। और वो रेस दो गाड़ियों के बीच होने वाला है, और वो दो गाड़ी क्या है, हमारे पास यहाँ पे है हमारी KTM Duke 250, वेरस यहाँ पे है Pulsar 220। तो आप लोगों को तो ये लगेगा, आई नो, कि ये फेयर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 250 cc की है और ये 220 cc की है। ये वाली रेसिंग बाइक है और ये वाली एक स्पोर्ट्स टूरर है। पर क्या है कि इसमें ट्विस्ट क्या है कि हम लोग जो है हमारे बाइक को थोड़ा सा पीछे रखेंगे और Pulsar 220 को बहुत ज़्यादा आगे रखेंगे, ताकि एक अच्छा सा एक रिजल्ट निकल पाए। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि अगर मैं Duke 250 को बहुत ही पीछे से भगाता हूँ और Pulsar 220 को निकलने का समय अगर आगे देते हैं, तब कौन सी वाली जीतती है। बेसिकली हमारा प्लान क्या है कि हम लोग इन दोनों गाड़ियों को लाइनअप करेंगे, पर उसमें Duke 250 को बहुत ही पीछे रखेंगे। बेसिकली ये कोई परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं रहेगा, हम लोग जस्ट फन राइडिंग कर रहे हैं, एक बार हाइपर राइड करके देखना चाहते हैं दोनों को ही, ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट निकल पाए। देखते हैं Pulsar 220 इसको बीट कर पाती है कि नहीं, बहुत ज़्यादा आगे रखने के बाद भी। चलिए गाइस, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए रेस को शुरू करते हैं, और लेट्स गेट स्टार्टेड इन 3, 2, 1। तो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ये सब टनल के अंदर आप लोग बिल्कुल भी रेस ना करें। हम लोग बहुत ही सेफ्टी के साथ आए हैं और बहुत ही सुबह का समय है, ज़्यादा देर नहीं हुई है, और इस रेस में अभी देखिए मैं बाइक को बहुत ही पीछे रखने वाला हूँ। तो बेसिकली अभी गाइस, हमने Pulsar 220 को वहाँ पे रखा है और मैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्टेंस है, पहले उसको निकलने देंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी जीतती है। बेसिकली ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, बस मज़े के लिए कर रहे हैं हम लोग और देखना चाहते हैं। तीन हॉर्न। उसको थोड़ा जाने देते हैं। 1, 2, 3। उसको थोड़ा जाने के लिए समय दिया था, 3 सेकंड आगे उसको लीड करने दिया था, उसके बाद हम लोग निकले हैं। हाँ, मेरा 133-134 ऐसा कुछ था। तीन सेकंड बाद 1, 2, 3। मज़ा आ गया, मैं बस देखना चाहता था कि अगर Pulsar 220 को हम लोग आगे छोड़ते हैं तब क्या ये बाइक जीत पाती है कि नहीं। तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया, पर पिछली बार हमारा डिस्टेंस कम था। सो गाइस, हमने इन दोनों के बीच रेस किया और हमने देखा कि थोड़ी देर बाद जब टनल के थोड़ा बीच में पहुंच जाते हैं हम लोग, तब ये इसको ओवरटेक कर लेती है। पर सेकंड टाइम जब मैंने किया, तब इसने थोड़ा पहले ही ज़्यादा ही पहले लॉन्च कर लिया था, जिसके कारण हम लोग हार गए। तो इसी के साथ मुझे समझ में आता है कि अगर हम लोग दोनों को ही रेस करते हैं, तब उसमें से 250 जो है वो जीत जाएगी। हालाँकि ये एक फेयर कम्पिटिशन नहीं है, बस ऐसे ही मज़े के लिए हम लोगों ने किया, और आप लोगों को शायद इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो अगर मज़ा आए तो बस कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
इंस्टाग्राम हैंडल हमारा नीचे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। और मैं सौरभ आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।